जैसा हड़ताल खत्म होने के बाद जब मांगे पूरी हुई समझ गया था, और आपने देखा होगा हमने खुद खड़े होकर भी, कल भी बहुत समय महामारी फैलने वाली थी और फैल भी गई है, बीमार हो गए लोग बाग। हमारे रोड को साहब ने हमें यही कहा है कि देखो भाई दो गलियों का काम बचा हुआ है, सब मिलजुल कर काम करेंगे सही तरीके से। देखिए जब हड़ताल को वापस लिया गया था तो हमने अपनी सारी मांगों को रखने से पहले हमने ये बात भी रखी थी कि अननेसेसरी विदाउट एनी राइम एंड रीजन, बिना किसी कारण के हमारे सफाई मजदूरों को, हमारी माताओं बहनों को इस तरह के फरमान जारी कर दिए गए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपकी नौकरी खत्म की जाती है आपको सस्पेंड किया जाता है, जबकि कानून में ये बहुत गलत है। हमने पहले भी कहा था इसमें कोई धारा नहीं लगाई गई है, हमने ऑफिसों में काम किया है, हमने बड़े बड़े कमिश्नरी डिक्टेशन लिए यहाँ बैठ के, हमें सारे कानून पता है। केवल और केवल हड़ताल को दबाने के लिए, हमारे आंदोलन कुचलने के लिए इस तरह का ये प्रयास किया गया है। आज हमने सबने इकट्ठा होकर कमिश्नर जो पुनीत गोयल है अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हम लोग घेराव किया। मौके पर दोनों डिप्टी कमिश्नर भी थे यहाँ पे, शारा साहू जोर के दीपक शिंदे जी और संजीव कुमार जी वहाँ के शारा नोट के, उन्होंने इस बात को माना कि वो गलत है, अन्यथा हमने जैसे उन्होंने धमकी भी दी थी और सच्चाई भी थी, हम सब वहाँ हाईकोर्ट भी जाने वाले थे, इन सब के खिलाफ हम FIR दर्ज कराते। और देखिए इसमें डिपार्टमेंट का ही तो नुकसान हो रहा है, ये सब लोग काम करना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। इवन आज हम सब ने भी जो इनके लीडर लोग हैं सबने अपना काम भी किया है, हमने खुद खड़ा होकर काम किया है और सफाई व्यवस्था को इतना बढ़िया बना दिया, आज के बाद वो कह भी नहीं सकता कभी हड़ताल भी यहाँ पे हुई होगी। सारे मुख्य मार्गों की हमने सफाई कराई है, स्वयं हम खुद मौजूद रहे, हमने खुद ऑटो टेपर भरे हैं वहाँ जाके, और कल हम गलियों में घुसेंगे अपनी पूरी टीम को लेकर, हम घर घर जाएंगे, गलियों में घुसेंगे, एक भी पत्ता नहीं रहने देंगे, कोई नहीं कह सकता, चैलेंज नहीं कर सकता कि हमने सफाई नहीं की। तो कमिश्नर साहब ने वायदा किया था कि दो दिनों बाद रजिस्टर करके इनको ड्यूटी पर ले लिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने इस दबाव में आकर उन्होंने मानना भी चाहिए था, अगर वो नहीं मानते तो हाईकोर्ट से उनको नोटिस देते हम लोग, उन्होंने इस बात को मान लिया गया है और वायरलेस पर संदेश छोड़ दिया गया है। जो भी हमारे सफाई मजदूर सुन रहे हैं वो कल से अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं, और राइटिंग में भी इसको वो कह रहे हैं। आज के बाद हमने दोनों डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऐलान और किया हुआ है, देखिए हमारे यहाँ तकरीबन 17,000 सफाई मजदूर हैं, जब हम प्रदर्शन करते थे तो करीब 5-6 हजार लोग ही धरने वहां पे आ पाते थे, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग घरों पे हैं। आज के बाद शादर साउथ और शाह नॉर्थ यहाँ से भ्रष्टाचार को विराम दिया जाता है, आज से इंस्पेक्टर राज को हम खत्म करते हैं।